देखा तुमने मुझको देखा ऐसे। जी हाँ, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। जब हम किसी का चेहरा पहली बार देखते हैं तो वो चेहरा दिल में और दिमाग में समा जाता है, फर्स्ट टाइम लव भी हो जाता है और कोई इतना खूबसूरत लग जाता है कि उसे हम अपना आइडियल बना लेते हैं। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर वायर राखी, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आप में से किसी ने लिखा, राखी जी आप बहुत खूबसूरत हैं और अपनी खूबसूरती का राज बताइए, कुछ खूबसूरत रहने के टिप्स हमें भी बताइए। देखिए, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, खूबसूरत आप हैं, आपकी आंखें जिन्हें मेरे अंदर खूबसूरती नजर आती है, क्योंकि किसी की तारीफ करना आज के टाइम में सबसे बड़ी बात है। चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कुछ खूबसूरत होने के और दिखने के टिप्स, मन से आंतरिक रूप से खूबसूरत कैसे हो सकते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगी कि कुदरत के साथ जुड़िए। कुदरत के साथ कैसे जुड़े, मॉर्निंग वॉक कीजिए, पेड़ पौधे लगाइए, थोड़ी देर बागवानी कीजिए, थोड़ी देर नदी के किनारे या समुद्र के किनारे घूमिए जरूर, इससे खूबसूरती बढ़ती है, नेचुरल ब्यूटी आती है आपके अंदर। दूसरा, आप अपने मनपसंद कपड़े पहने। कहते हैं खाना चाहे आप अपनी पसंद का खाएं या ना खाएं, लेकिन कपड़े दूसरे की पसंद के पहनने चाहिए। यहां मैं आपसे कहूंगी कि कपड़े भी अपनी पसंद के पहने, क्योंकि आप जिसमें कंफर्टेबल हो और अपने आप को खूबसूरत महसूस कर रहे हो तो दुनिया भी आपको खूबसूरत ही महसूस करेगी, पहली बात। दूसरी बात, हर रोज लोगों की तारीफ करें और खूब जमकर तारीफ करें, क्योंकि जो आप देंगे वही आपको रिटर्न में मिलेगा। लड़कियों से कहूंगी बाल लंबे रखें, क्योंकि बाल लंबे रखी हुई लड़कियां ज्यादा खूबसूरत होती हैं और बाल लंबे जिनके होते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट भी मिलते हैं। वहीं लड़कों से कहूंगी कि बाल समय समय पर कटवाते रहें, अलग अलग स्टाइल में, कभी बहुत लंबे बाल रख लें, कभी छोटे बाल रख लें, तो कभी कोई अलग स्टाइल में बाल कटवाएं, क्योंकि बाल कटवाते रहने से आपके लुक्स में चेंज आएगा, लोग कॉम्प्लीमेंट देंगे, आपकी एक अलग पहचान होगी। मतलब अपने साथ एक्सपेरिमेंट्स करते रहना चाहिए, इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तारीफें जमकर करिए, किसी भी चीज में जिद्दी ना होगी। कई लोग कहते हैं मैं अगर व्हाइट कलर के कपड़े पहन लूं तो मैं काली लगती हूं क्योंकि मेरा रंग काला है। कई लोग कहते हैं मैं इतनी गोरी हूं कि काले कपड़े नहीं पहन सकती क्योंकि मैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लगती हूं, तो ये गलत है। हर तरह के कपड़े पहनिए, हर चीज कीजिए, बीच में आपको पता ही नहीं होता कि आपके अंदर क्या हुनर है, ये आपको लोग बताते हैं। तो हर तरह के कपड़े पहनिए, और अगर आप मोटे भी हैं तो अपने आप को कैरी इस तरह से कीजिए कि आप मोटे ना लगे। आप मोटे हैं, काले हैं, पतले हैं, छोटे हैं, नाटे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप अपने आप को कैरी कैसे करते हैं, अपने आप को रखते कैसे, ध्यान कैसे रखते हैं कि आपके नेल्स एकदम कटे हुए हैं, साफ सुथरे हैं, आपके अंदर से हमेशा खुशबू आती है, हमेशा आंखों में काजल आईलाइनर लगा के रखते हैं, आप एकदम टिस्टॉप होकर अच्छे से नहाते हैं, आपको देखकर आपके अंदर से बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। तो मोटा पतला मैटर नहीं करता। नॉनवेज से तौबा कर दीजिए, क्योंकि कहते हैं जैसा खाते हैं अन्न और वैसा ही होता है मन। दिन में 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करने से भी खूबसूरती बढ़ती है, और यकीन ना हो तो कर देख लीजिएगा, आपको असर दिखेगा। लड़कियों और लड़कों से दोनों से कहूंगी अपनी डाइट में बहुत ज्यादा बादाम और अखरोट का सेवन करना शुरू कर दीजिए। भरपूर प्रोटीन आपकी आंखों को, आपके चेहरे पर, आपकी स्किन में, आपके बालों में वो चमक लेकर आएगा जिसका हर कोई इंतजार करता है। चांद की रोशनी में थोड़ी देर पूर्णमासी वाले दिन जरूर बैठें, चांद को जरूर देखें और खूब सारा पानी पिए। कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीने से भी खूबसूरती बढ़ती है, वजन कम होता है। और हमेशा याद रखिए कि कभी कभी जब आप स्नान करते हैं तो दूध पानी में डालकर स्नान करने से भी खूबसूरती बढ़ती है, दूध से भी स्नान करने से खूबसूरती बढ़ती है। कहते हैं ना, दूधो नहाओ पूतो पलो, मतलब बेसन ले लिया आपने, थोड़ा सा उसमें दूध मिला लिया, साबुन की जगह हफ्ते में एक बार अगर आप बेसन और दूध से नहाते हैं तो भी आपकी खूबसूरती बढ़ती है। इत्र का इस्तेमाल खूब करें और सबसे अच्छा खूबसूरती का राज होता है। खुश रहे, मस्त रहे, आपसे जो मिले वो हमेशा खुश रहे आपको देखकर, इससे आपकी खूबसूरती बढ़ती है। ईश्वर करे आप बहुत खूबसूरत हो जाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। जय माता दी।